सतयुग दर्शन नृत्य कला केंद्र की न्यू ब्रांच की ओपनिंग रमेश नगर में की गई, जिसके अंदर बहुत से लोग मौजूद हुए। सतयुग दर्शन के ट्रस्टी शशि जी ने बताया कि सतयुग दर्शन है कैसा नृत्य केंद्र जिसके अंदर लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है और लोग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं और नृत्य संगीत सीखते हैं। साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने भी यह बताया कि सतयुग दर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है और सतयुग दर्शन से ऐसे बहुत से टैलेंट आगे निकले हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया। ये कार्यक्रम एक झलकी है हर इंसान को जनाने के लिए कि वो किधर जा रहा है, पर उसने जाना किधर था। इंसानियत अनुरूप व्यवहार अपनाना था, पर मोह माया में उलझकर द्वी द्वेष का व्यवहार अपनाकर अपनी प्रसन्नता खो दी, अपने परिवारजनों की प्रसन्नता खो दी और कुल समाज उससे प्रभावित हो गया। और ये प्रभाव इतना गहरा हुआ कि अधिकतर इंसान दुराचारिता के प्रतीक बन गए। देश में बहुत से कला केंद्र चल रहे हैं और आजकल महंगे महंगे सिंगिंग और डांसिंग स्कूल भी खुल रहे हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा है लेकिन वो आगे तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते बच्चों को। सतयुग दर्शन क्या देगा? सतयुग दर्शन की फीस ही अपने आप में बहुत कम है और फीस के अलावा हमारा एक माध्यम अपना ऐसा है कि हमारी इतनी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में कि अगर हम अपनी ब्रांचेज का ही कॉम्पिटिशन कराते हैं तो सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। जो भी गुण उनके अंदर है वो गुण का अपना प्रदर्शन करते हैं और हम भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। वो प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे को एक अच्छा मंच मिलता है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। जो भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वो आए और यहाँ पर निशुल्क शिक्षा ले सकें। देखा जाता है कि दिल्ली ऐसे ऐसी बात जो काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं सिंगिंग डांसिंग के बहुत सारे होते हैं, बच्चों को टी सी लेते हैं पर उनको मंच प्रदान नहीं करते हैं, मंच चाहते हैं उनसे उनके जो करियर का होता है नुकसान होता है। तो आपकी जो नीति है किस तरीके से उनको मंच प्रदान करती है? जी, आज आपके ही माध्यम से मैं ये मंच आपको जितनी भी जनता है उस सब तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हमारी आज ओपनिंग आपने देखी तो ऐसी ही ओपनिंग जैसे आज आपने देखी है तो आने वाले समय में हम समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। इसके अलावा हमारी जो हेड ऑफिस है जहां पर फरीदाबाद में सतयुग दर्शन भूपानी में ये स्थित है, तो भूपानी में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हमारा अपना जहां पर हम साल में 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं जिनमें बच्चा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। बेसिकली क्या है कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक हैं, जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट कार्यरत है उन्हीं के मार्गदर्शन से कार्यरत है। विभिन्न शहरों में संगीत कला केंद्र चलते हैं, विभिन्न अलग दिशाओं में हमारा सतयुग दर्शन ट्रस्ट कार्यरत है। ह्यूमैनिटी ओलंपियाड हमारा होता है प्रतिवर्ष, जिसमें आज का युवा उसमें जुड़ा हुआ है। ये जैसे इंग्लिश का, साइंस का ओलंपियाड आयोजित होता है, ऐसा ही एक हमारा ह्यूमैनिटी ओलंपियाड हम कराते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है और उसके माध्यम से बहुत सारे युवा इसके अंदर जुड़े हुए हैं। सर, कितनी जगह अभी सतयुग दर्शन की ब्रांच ओपन हो चुकी है और आपने रमेश नगर ही क्यों चुना? रमेश नगर की ऑडियंस को टारगेट क्यों किया? बेसिकली टारगेट करना कोई इसका उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ हम आगे कदम बढ़ाते हैं और उस कदम में आपके सहयोग से, अलग अलग लोगों के सहयोग से
एक जो माध्यम सत्युग दर्शन ट्रस्ट ने चुना है कि संगीत द्वारा हमें एक दिशा निर्देशन देना है, बच्चों को एक अच्छी राह देनी है, उस राह में हम अगर अपना सहयोग दे सकें यही हमारा उद्देश्य। मैं बस निवेदन करना चाहता हूं कि संगीत कला केंद्र में अपने बच्चों को जोड़ें, खुद को जोड़ें और अपना उद्धार करें और आने वाले समय में जो कलयुग का वातावरण है उस वातावरण से निकलने के लिए एक शांत माहौल घर में बनाएं, स्वयं में बनाएं, अपने लिए बनाएं, साथियों के लिए बनाएं।